दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया रोमांचक मैच अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल का 21वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो पहले बैटिंग करने आए कोलकाता ने आज अपने ओपनिंग में बदलाव किया था और सुनील नारायण की जगह राहुल त्रिपाठी को शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने भेजा और इन दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता को एक अच्छी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक शुरुआत दिलाई और 4 ओवर में 37 रन जोड़े। हालांकि शुभमन गिल आज लय में नजर नहीं आए और 12 गेंदों में 11 रन बनाकर धोनी को कैच थमा बैठे, लेकिन पहली बार कोलकाता के लिए ओपनिंग करने आए राहुल त्रिपाठी ने मिले मौके को खूब भुनाया और 31 गेंदों में ही 52 रन बनाकर चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। हालांकि एक तरफ से विकेट गिरते रहे और 70 रन पर कोलकाता को दूसरा झटका लगा जब नीतीश राणा 9 रन बनाकर बाउंड्री लाइन पर रविंद्र जडेजा को कैच थमा बैठे। तो वहीं आज चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए सुनील नारायण भी 9 गेंद में 17 रन बनाकर चलते बने और 98 रन पर कोलकाता ने अपने 3 विकेट खो दिए। दोस्तों, एक तरफ भले राहुल त्रिपाठी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो चेन्नई के गेंदबाज दूसरी छोर पर शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और कोलकाता के बल्लेबाजों को पवेलियन भेज रहे थे। पिछले मैच में 18 गेंदों में 44 रन बनाने वाले इयान मॉर्गन आज 10 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाकर सैम करन की गेंद पर धोनी को कैच थमा बैठे और 114 रन पर ही कोलकाता को चौथा झटका लग गया। दोस्तों, इस झटके से कोलकाता उबर भी नहीं पाई थी कि उसको सबसे बड़ा झटका लगा जब उसके सबसे बड़े मैच विनर बल्लेबाज आंद्रे रसेल चेन्नई के गेंदबाजों के जाल में फंस गए। शार्दुल ठाकुर ने क्रॉस सिम डिलीवरी डालकर रसेल को धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। रसेल आज फिर से फेल हो गए और 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन बनाए। दोस्तों, आज चेन्नई के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी जो आज धोनी के फील्ड के हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे। कोलकाता के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे जिसका दबाव केकेआर के बल्लेबाजों पर साफ दिखा और एक छोर पर अच्छा खेल रहे राहुल त्रिपाठी भी दबाव में ढह गए और ड्वेन ब्रावो की गेंद पर बड़े शॉट खेलने के चक्कर में शेन वॉटसन को कैच थमा बैठे और कोलकाता की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। राहुल त्रिपाठी 51 गेंदों में 81 रन बनाए। त्रिपाठी के आउट होने के बाद बाकी बल्लेबाजों को चेन्नई ने कुछ करने का मौका ही नहीं दिया और पूरी केकेआर की टीम 20 ओवर में 167 रन बनाई और अपने पूरे 10 विकेट भी खो दिए। दोस्तों, आज चेन्नई के गेंदबाज कितनी अच्छी गेंदबाजी की इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि धोनी को आज रविंद्र जडेजा से बॉलिंग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इसका श्रेय कप्तान धोनी को जाता है जिन्होंने विकेट के पीछे शानदार कप्तानी की। अब दोस्तों, चेन्नई की पिछली फॉर्म को देखते हुए 168 रन बनाना चेन्नई के लिए कोई बड़ी स्कोर नहीं थी और 168 रन से पहले चेन्नई को रोकना कोलकाता के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। दोस्तों, चेन्नई के पारी की शुरुआत करने आए शेन वॉटसन और फॉफ डु प्लेसी ने आज चेन्नई को अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए और 30 रन पर ही कोलकाता ने चेन्नई को पहला झटका दिया जब शिवम मावी ने फॉफ डु प्लेसी को विकेट के पीछे दिनेश कार्तिक के हाथों कैच करवाया। डुप्लेसी आज 10 गेंदों में 17 रन बना पाए, लेकिन दोस्तों, इस झटके से चेन्नई जल्द ही उबर गई क्योंकि एक छोर पर पिछले मैच के हीरो शेन वॉटसन जम चुके थे और कोलकाता के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते रहे। वैसे दोस्तों, शेन वॉटसन को जमने में कहीं ना कहीं कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक का भी बड़ा हाथ था क्योंकि वे कप्तानी में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे और अपने बॉलर को सही रोटेट नहीं कर पा रहे थे। केकेआर के मेन बॉलर सुनील नारायण से गेंदबाजी सही समय पर नहीं कराई और उनसे पहले वरुण चक्रवर्ती को लेकर आ गए जिसका फायदा वॉटसन ने खूब उठाया। दोस्तों, दिनेश की कप्तानी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुनील नारायण को पारी के 12वें ओवर में बॉलिंग के लिए लाए, लेकिन तब तक शेन वॉटसन और अंबाती रायडू सेट हो चुके थे और वे नारायण की गेंदों को भी बड़ी आसानी से खेल रहे थे। हालांकि 99 रन पर शिवम मावी ने कोलकाता को दूसरी सफलता दिलाई जब सेट हो चुके अंबाती रायडू को शुभमन गिल के हाथों कैच करवाया। रायडू 27 गेंदों में 30 रन बनाए, लेकिन वे तब तक अपना काम कर चुके थे, चेन्नई को एक बेहतर स्थिति में पहुंचा दिए थे। लेकिन रायडू के आउट होने के बाद चेन्नई को दूसरा झटका भी जल्द लग गया जब सेट हो चुके शेन वॉटसन को सुनील नारायण ने 5वीं बार आउट किया और चेन्नई को बड़ा झटका दिया। वॉटसन 40 गेंदों में 50 रन बनाकर LBW आउट हुए। अब 101 रन पे CSK के 3 विकेट लेकर कोलकाता इस मैच में वापसी करती दिखाई दी और पिछले 4 ओवर में कोलकाता ने सिर्फ 14 ही रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। दोस्तों, अभी भी इस मैच में कुछ भी हो सकता था। मैच रोमांचक मोड पर आ गया क्योंकि चेन्नई को अभी भी 30 गेंदों में 58 रनों की दरकार थी और क्रीज पर थे धोनी, तो ऐसे में पलड़ा चेन्नई का ही भारी था। लेकिन कोलकाता ने भी आखिरी ओवरों में जबरदस्त बॉलिंग की और चेन्नई को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब युवा गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने धोनी को बोल्ड कर दिया और कोलकाता को बड़ी सफलता दिलाई।
धोनी 12 गेंदों में 11 रन बनाए। अब दोस्तों धोनी के आउट होने के बाद दबाव सीएसके पर आ गया और सीएसके को इस दबाव से निकालने की जिम्मेदारी सैम करन और केदार जाधव पर था, लेकिन इस दबाव में सैम करन खुद दब गए और रसेल के गेंद को बाउंड्री पर भेजने के चक्कर में मॉर्गन को कैच समा बैठे, जिससे सीएसके की पारी लड़खड़ा गई। अभी भी चेन्नई को इस मैच को जीतने के लिए 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत थी, जो आसान नहीं था। दोस्तों बल्लेबाजों पर दबाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केदार जाधव 5 गेंद में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। दोस्तों चेन्नई को 12 गेंदों में जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी, लेकिन केदार जाधव और जडेजा 26 रन ही बना पाए और चेन्नई जीती हुई मैच को 10 रन से हार गई। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं किसकी वजह से चेन्नई जीती हुई बाजी को हार गई।